जय हिंद साथियों। साथियों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत के प्रमुख जलप्रपात। प्रमुख क्या दोस्तों, हमने इसमें लगभग सारे ही कंप्लीट कर लेंगे, लगभग 20+ हैं, ठीक है। तो हमने सभी सारे ही इसमें ले लिए हैं दोस्तों। आज आज के बाद आपको इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, अगर जलप्रपात से कोई भी क्वेश्चन बनता है। और आपको इसमें तीन चीज क्लियर होंगी, क्या जलप्रपात, उसके राज और वो नदी कौन सी नदी पर स्थित है, वो स्थित है, ठीक है। तो देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। और दोस्तों पता है आप ये वीडियो में कब शूट कर रहा हूँ, तो लगभग इतना ही बज जाता, 12:25 है, रात के 12 बज रहे हैं, समझ लीजिए बहुत तेज से ठंडी है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है यार, कुछ अगर करना है तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से, आपको बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही सिंपल ट्रिक से दोस्तों आपको समझाऊंगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखते रहिए। जैसे नंबर एक पर है दोस्तों दूध सागर जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल, कहाँ है, मांडवी नदी पर। कहाँ पर है राज्य पे, तो गोवा राज्य पर। इसकी ऊंचाई क्या है, तो 310 मीटर, ठीक है। ये ऊंचाई है, राज्य है, स्थित है और जलप्रपात है, ओके। तो याद कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ दूध दूध, ठीक है, दूध यानी दूध हमें कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है दूध, तो यार माँ के द्वारा मिलता है, माँ माँ माँ, ठीक है, मांडवी माँ के द्वारा हमें दूध प्राप्त होता है। और दूध अधिकतर सबसे ज्यादा कहाँ होता है यार, तो अधिकतर गांव में होता है यार, दूध दूध कहाँ होता है, तो गांव, गोवा गांव में अधिकतर दूध होता है यार, होता है होता है, ठीक है। और अगला क्या है, कुंचिकल जो कि बराही नदी पर है, जो कि कर्नाटक राज्य में है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 455 मीटर है। तो याद रखेंगे कैसे इसको दोस्तों, देखिए इधर आ रहा कुंचिकल यानी कि आ रहा वराही यानी कि राह, राह का शब्द दे रहा है, राही राही राही, ठीक है, रास्ता। और नाटक यानी कि दोस्तों हमें कोई हमारे रास्ते पे रास्ते या फिर राह पर हमें नाटक करता हुए कोई मिल गया ना, तो कसम से उसको मार कूच देते हैं, मार कूच की अब यानी कि नाटक करता है रास्ते पर चल, यानी कि दोस्तों कुंचिकल यानी कूच कूच कर उसको तबीयत मस्त कर देते हैं, लाल कर देते हैं उसको, कुछ कुछ को किसको, जो हमारे राह पर हमारे रास्ते पर नाटक करता मिल जाएगा, ठीक है। तो रास्ते पर नाटक मत करो यार, ओके। अगला दोस्तों जोग जलप्रपात यानी ये इसको गरसोप्पा या फिर दोस्तों इस जलप्रपात को क्या कहते हैं, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जलप्रपात। और ये दोस्तों सबसे ऊंचा है, गैर पंक्तिबद्ध, ओके, गैर पंक्तिबद्ध जलप्रपात सबसे ऊंचा है, ओके, जिसकी ऊंचाई बात करें दोस्तों 255 मीटर है। तो शरावती नदी पर दोस्तों है और ये कर्नाटक राज्य में है, याद रखें कैसे दोस्तों, यहाँ रहा जो जोग, जो जो शरारत बच्चे होते हैं या शरारती जो भी होते हैं वो हमेशा नाटक करते हैं, ठीक है, नाटक करते हैं, याद रहेगा दोस्तों हमेशा नाटक करते हैं, जो भी शरारती होंगे, जो जोग जो भी शरारती होंगे वो हमेशा नाटक करेंगे। और महात्मा गांधी जी का याद कैसे करेंगे, यानी कि महात्मा गांधी जी न कभी शरारती थे न ही नाटक कभी किए हैं, ठीक है। और अगला है क्या है, तो भार चुक्की जो कि कावेरी नदी पर है, ओके, कावेरी नदी और कर्नाटक राज्य में ये भी है। कावेरी नदी से आपके दोस्तों एक क्वेश्चन याद आने चाहिए इसको, यानी कि दक्षिण की गंगा कहते हैं, किसको, कावेरी नदी की दोस्तों, दक्षिण की गंगा और दक्षिण भारत की गंगा बहुत ही डिफरेंट होता है। दक्षिण भारत की गंगा है दोस्तों वो है क्या है, गोदावरी, लेकिन दक्षिण की गंगा की बात करें तो वो है कावेरी और क्या, और हाँ बूढ़ी गंगा की बात करें तो वो भी क्या है, गोदावरी है, ठीक है। ये फैक्ट याद रखिएगा, याद कैसे करेंगे दोस्तों इसको, भार चुक्की यानी कि दोस्तों भार लोड वजन, अगर दोस्तों हमें हमें पे या फिर किसी भी जीव के ऊपर अगर लोड लग दिया जाए ना, लोड जैसे कोई भी हमें बैलगाड़ी है उसके पास ओवरलोड कर दिया जाए, लोड यानी भार ज़्यादा दे दिया जाए यार हमें, या फिर हमारे ही अगर क्या कर दिया जाए, भार दे दिया जाए हमें, भार बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर दिया जाए हमें, सहन शक्ति ज़्यादा, तो यार हम नाटक करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, नाटक करेंगे, यानी कि वेरी वेरी मीन्स बहुत होता है, बहुत अगर भार हमारे ऊपर लाद दिया जाए, कह दो यहाँ से वहाँ पहुँचा दो यार, हम नाटक करने लगेंगे, ठीक है, यानी नाटक पक्का कर देंगे, ठीक है, अगर वेरी बहुत भार भार चुक्की, ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। और अगला क्या है, शिव समुद्रम जो कि कावेरी नदी इसमें भी है और ये कर्नाटक राज्य पे है, इसकी हाइट की बात करें तो 90 मीटर है, ठीक है, याद रखें कैसे दोस्तों, यहाँ रहा शिव समुद्र यानी कि शिव, शिव का जोग शराबी, हमने कभी एक ट्रिक बनाई थी लेकिन वो ज्यादा कारगर शायद नहीं है, उसमें लाइन याद करना पड़ेगा, शिव का जोग शराबी धुआंधार चाची
चाचा पचा पानी ऐसे याद किया था दोस्तों। अगर वो भी याद करना चाहते तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। काफी वो भी उसमें छह टोटल आपको वाटरफॉल किया होंगे, ठीक है। राज और वाटरफॉल छह, शिव का जोग सराफी, धुआंधार चाची, धुआंधार नानी और चाचा पचा पानी, ऐसे कुछ ट्रिक थी वो वाली, ठीक है। तो याद कैसे करेंगे दोस्तों, यानी कि शिव जो शिव जी होते हैं यार, शिव जो शिव का तांडव करते हैं ना, जो लोग करते हैं शिव का तांडव, तो एक तरीके का वो नाटक तो है यार, वो मनोरंजन है, लोग करते हैं शिव को जो तांडव करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, नाटक करते हैं एक तरीके का, यानी कि नाटक नाटक करते हैं और क्या, यानी कि कोवेरी। एक गाना है ना दोस्तों, कोलावेरी कोलावेरी डी, कवेरी का साउंड यानी कोलावेरी कोलावेरी डी साउंड है, उसमें हम तांडव कर रहे हैं, शिव तांडव कर रहे हैं और नाटक कर रहे हैं, ठीक है। अगला दोस्तों क्या, गोकक जो कि गोकक नदी पर है, ये भी कर्नाटक पर, याद कैसे रखेंगे दोस्तों, यहाँ रहा गोकक गोकक, ओके। तो यानी कि गोकुल से आप याद रखें गोकक को, गोकक यानी दोस्त नए नए कुछ है, आपको शायद इस नाम कभी सुना ना होगा, ठीक है। यानी गोकक गोकुल से याद करिए, गोकुल में कौन रहे थे, तो भगवान कृष्ण रहते थे, कृष्ण जी। तो कृष्ण जी हमेशा क्या करते थे, नाटक करते थे, कभी इधर कभी उधर, कभी मटकी तोड़ देना, कभी कुछ कर देना, हमेशा यार क्या नाटक करते थे, कौन, कृष्ण जी, गोकक गोकुल गोकुल, ठीक है, याद रहेगा। और अगला क्या है, पायकारा, पायकारा दोस्तों ये है कहाँ पर, ये जो नीलगिरी क्षेत्र दक्षिण एरिया में, जो दक्षिण भारत में नीलगिरी की पहाड़ियाँ वहाँ पर दोस्तों इसका क्षेत्र है, वहीं पर ये पायकारा वाटरफॉल है, और ये तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में कह दे, अगर आप कर्नाटक में भी आ जाए तो ठीक है, उसमें कुछ भाग है रहता है, ठीक है। तो याद रखें कैसे दोस्तों, पायकारा, तो दोस्तों यहाँ आ रहा पायकारा यानी कि पायकर्मा, दोस्तों हम देते हैं ना जब हमें कोई कुछ मन्नत माननी होती है तो लोग करते हैं, यहाँ से यहाँ तक पैकर्म देते हैं, किससे, लेट कर यानी गिर कर, नीचे गिर जाते हैं ना नारियल के लेकर, लेट कर ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, तो दोस्तों गिर कर यानी कि गिर कर लोग पैकर्मा करते हैं, अपने जो भी मन्नत मांगते हैं अपने गॉड के, ठीक है। यानी मिलकर, फिर मिलकर यानी मिलने जाते हैं यार मंदिर में, कोई भी स्थान में, ठीक है, याद रखिएगा ऐसे दोस्तों। अब यानी कि स्थान में लोग मिलने जाते हैं कैसे, पैकर्मा करके यार, गिर कर, पैकर्मा कैसे करते हैं, गिर कर, ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। और अगर आप ऐसे न याद करिए, यानी कि अब हम जब भी पैकर्मा यानी कि पैकार गिरते हैं, नीलगिर गिरते हैं, तो दोस्तों पैरों के बल गिरते हैं ना, पैरों से गिर जाते हैं, याद रहेगा दोस्तों। और हमें कोई मिलकर उठाता है, फिर उठाता है, मिलकर उठाता है, याद रहेगा। तो दोस्तों भले ही आप पैरों से गिर जाएं, आप उठ सकते हैं, लेकिन आप किसी की नज़रों पर, किसी के करेक्टर गिरिएगा नहीं, यानी किसी के नज़रों पर नहीं गिरिएगा, नहीं तो आप कभी नहीं उठ सकते। अगर पैरों से गिरे हैं तो उठ जाएंगे, लोग मिलकर उठा देंगे, ठीक है, पैरों से गिर जाएंगे तो मिलकर उठा देंगे, लेकिन अगर किसी की नज़रों से गिर गए तो यार नहीं उठ पाएंगे, ठीक है। तो अगला दोस्तों क्या, चूलिया जलप्रपात, जो कि है दोस्तों कहाँ, चंबल नदी, जो कि राजस्थान में है, और ये भी पुनासा जलप्रपात, ये भी चंबल नदी पर है, और ये राजस्थान में ये भी है। तो याद कैसे रखेंगे दोस्तों, यहाँ चूलिया और जल यानी कि चंबल, जैसे दोस्तों आता है तो आपके माइंड में एक बात क्लिक होती होगी, वो क्या, चंबल के डाकू, ठीक है, याद मूवी में देखा हो कि चंबल के डाकू, ठीक है, चंबल के डाकू बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, चंबल। तो चंबल दोस्तों यानी कि चंबल के वो यार चले गए जब लोग, यानी कि क्या करते थे, तो चंबल के डाकू तो अब बोल देते आ गए ना, तो के चूतिया का बे, चूतिया का डाकू कोई भी मिल जाए, चूतिया को भी मिल, को चूतिया हो यानी चूलिया, चूतिया है डाकू, अब उनका कोई काम नहीं यार, चाहे चंबल के हो चाहे जहाँ के हो यार, वो उनका राज पूरा चला गया, यानी एक तरीके के वो चूतिया बन गए, ठीक है, चूतिया चूतिया है कौन, चंबल के डाकू, उनका कोई अब रोल नहीं है, ठीक है, किसका, चंबल के डाकू का, यानी कि राज उनका राज यार समाप्त। लेकिन एक समय था यार डाकुओं का, जब वो पुनासा सब कुछ नाश कर देते, पूरा नाश कर देते थे, पुनासा पूरा नाश कर देते थे, कौन, चंबल के डाकू या डाकू कोई भी हो, नाश कर देते थे यार, उनका एक टाइम था, राज करते थे वो, राज कौन, डाकू। आपने दोस्तों सुना होगा अपने दादा या पिताजी से कोई भी कहानी रियल जो कि होती, ये जंगल में डाकू रहते थे, वो सारा कुछ ले लिया, पूरे गाँव गाँव को लूट ले जाते थे, हल्का मचा रहता था पहले डाकुओं से, ठीक है, यानी कि अब लेकिन ऐसा नहीं है यार, अब वो उनके चूतिया हैं, अब कोई आ जाए तो मार के दो थापर भगा दे, चल भग
यानी कि चूतिया कहीं का, ठीक है, याद रहेगा दोस्तों, केवल याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ चूतिया शब्द, ठीक है, चूलिया चूतिया, ठीक है, यानी कि डाकू को क्या चूतिया एक समझते हैं यार आजकल, क्या है कुछ नहीं। तो अगला दोस्तों क्या है, बिहार, जो कि टोन नदी पर है, टोंस नदी पर है, जो कि दोस्तों राजस्थान में, दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बिहार जलप्रपात, अगर ऑप्शन दे दिया जाए आपको बिहार जल, जैसे कि क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, उसमें दे दिया जाए अगर आप पढ़े नहीं, बिहार जलप्रपात निम्न से किस राज्य में है, तो आपको दे दिया जाए बिहार, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, तो ऐसे कुछ ऑप्शन जिसमें बिहार भी शामिल कर दे, तो आपको 100% उसी को टिक करना पड़ेगा, यानी कि लगता कि यार बिहार है तो बिहार में पक्का होगा, ऐसे लगेगा दोस्तों, यानी कि ये गलत दोस्तों होगा, बिहार में नहीं, ये है राजस्थान में। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यही क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो याद रखें कैसे, यहाँ दोस्तों रहा टोंस और यहाँ रहा राजस्थान और यहाँ रहा बिहार, यानी कि दोस्तों जब भी हम कोई प्रतिस्पर्धा या फिर कोई भी खेल कूद में कहीं भी कुछ हार जाते हैं ना, कोई भी एग्जाम में फेल हो गए, तो लोग क्या टोन मारते हैं यार, टोंस टोन पक्का मारते हैं यार, ये आ गए यार मुंह काला करके, देखो भाई, यानी कि हार जाते हैं यार, अगर हम हार जाते हैं ना तो लोग टोन मारना बंद नहीं करते, ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। अगर हार, अगर हम जीत गए, यानी कि हार, अगर हारे ना तो अगर जीत गए तो यार हम राज करेंगे, राज, ठीक है, राजस्थान राज करेंगे, ओके, राजक तरीके आएंगे, तब कोई टोन नहीं मांगेगा अगर हम जीत गए, लेकिन बिहार हारेंगे तो यार लोग टोन मांगे, टोन मारेंगे, और टोन मारेंगे तो हम क्या एक राजक तरीके नहीं रह पाएंगे, यानी कि राज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ऐसे आपको याद रखने के लिए आपको ऐसा कुछ समझना पड़ेगा, ओके दोस्तों। तो देखिएगा इधर आ जाते हैं फटाफट से, और ये दो किलियूर, किलियूर, किलियूर जो कि किलियूर नदी है दोस्तों, ये तमिलनाडु में है, ओके, तो ये भी डैम उसी में है, तो दोस्तों इसको याद रखें कैसे, यहाँ दोस्तों रहा किलियूर, यानी कि आई किलियू, किलियू साउंड दे रहा, किलियूर, आई किलियू, आई किलियू, तो किलियू नदी है, तो जब किसी को आप किल करेंगे तो मिलकर करेंगे ना, कि ऐसे दूर से कर देंगे, नहीं यार, जब आई किलियू कहेंगे तो आपको तमिल मिलना पड़ेगा, उससे मिलना पड़ेगा, ठीक है, याद रहेगा। और अगला है धुआंधार, धुआंधार जो कि नर्मदा नदी है, धुआंधार नानी, धुआंधार नानी, ओके, तो धुआंधार नर्मदा, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, तभी वो समझ में आए कैसे, एन्ना, एन्ना जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी पर है, ये भी मध्य प्रदेश में, ओके, इसकी हाइट की बात करें 183 मीटर है। तो दोस्तों इधर देखिए एन्ना, आपने सुना होगा एन्ना, एनागोंडा, एनागोंडा जो कि सर्प होता बड़ा तगड़ा लंबा, ठीक है, एनागोंडा सुना होगा, देखा तो नहीं होगा, देखा हो तो टीवी सीरियल में, ठीक है। तो दोस्तों वहां पर देखो एनागोंडा, अगर समझ लीजिए आप गए जंगल, वहां पर एनागोंडा आ गया, आप मित्रों के साथ गए टूर में, वहां एनागोंडा सांप आ गया, तो क्या करेंगे, अगर उनमें से कोई नामर्दा, नामर्द होगा यार, नामर्द यानी नर्मदा नदी, नामर्द अगर होगा कोई तो यार वो मध्य में छुपेगा, मध्य में, ठीक है, क्या मध्य प्रदेश, वो मध्य में छुपेगा यार, मध्य में, बीच में हो जाएगा, ठीक है, कौन, अगर एनागोंडा सांप आ गया तो जो नामर्द होगा वो मध्य में छुपेगा, मध्य में रहेगा, लेकिन जो यार नामर्द यानी कि मर्द होगा, नामर्द नहीं होगा, वो मर्द होगा, तो यार वो धुआंधार उसका सामना करेगा, क्या धुआंधार, वो मध्य में फिर नहीं छुपेगा भाई, मर्द में नहीं छुपेगा, वो धुआंधार उसका सामना करेगा भाई, धुआंधार, ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको याद रहेगा, ओके, या फिर आपको सिंगल ऐसे याद करना है तो इसको धुआं, यानी कि धुआं कब आ जाता है, तो जब हम बिल्कुल नरम, यानी कि नर्मदा नरमी नरमी लकड़ी जलाते हैं तभी धुआं उठता है, ऐसे आपको याद रहेगा, कैसे, यानी कि धुआं कब उठेगा, धुआं कब निकलेगा, जब कोई हम नरम काफी नरमनी सी लकड़ी जलाते हैं, बीच में से धुआं निकलता है, ऐसे आपको याद रहेगा, अगर अगला याद करना तो। और अगला दोस्तों है हुंडरू, जो कि स्वर्ण नदी में स्थित है और ये झारखंड में 74 मीटर इसकी ऊंचाई है, ओके, याद रखेंगे इसे दोस्तों, यहाँ रहा है स्वर्ण रेखा और यहाँ रहा हुंडरू, यानी कि डरू, क्या किससे डरू, स्वर्ण, स्वर्ण सोना के, स्वर्ण के आभूषण पहनने में मैं तो डरू यार, क्योंकि यार आजकल देखते हो दोस्तों स्वर्ण अगर कोई भी ऐसे पहना तो लोग ऐंच के निकल जाते हैं दोस्तों, यानी कि मैं तो यार डरू क्या स्वर्ण के सामान पहनने में, आभूषण पहनने में मैं डरू यार, डरू, कोई झाड़ दिया तो फिर क्यों डरू, कोई झाड़ दिया तो
यानी कि स्वर्ण स्वर्ण सोना पहनने में मैं तो डरूं, क्यों क्यों डरूं, अगर कोई झाड़ दिया तो, झाड़ दिया यानी झारखंड यार, झाड़ दिया तो, इसलिए सोने का सामान मत पहनो यारो, मत पहनो नहीं तो कोई झाड़ देगा, डरो हमेशा। या इससे न याद हो तो दोस्तों यानी कि हुंडरू यानी कि घुंघरू, घुंघरू को दोस्तों घुंघरू को साउंड दे रहा है, घुंघरू घुंघरू यानी कि घुंघरू हमेशा किसके होते, किस कलर के होते, स्वर्ण कलर के होते हैं, गोल्ड कलर के होते हैं, जो कि गोल्डन कलर होता ना घुंघरू को, छम छम छम, ठीक है याद रहेगा दोस्तों। यानी कि घुंघरू कैसे होते हैं तो सोने के होते हैं या फिर गोल्डन कलर के होते हैं, ठीक है याद रहे, और छन छन झारखंड छन छन बोलते हैं, ठीक है। और अगला दोस्तों क्या है, होंगेन होगे नक्कल जलप्रपात जो कि कावेरी नदी पर है, ये भी तमिलनाडु में है, याद कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ रहा होंगे नक्कल, तो एक मित्र बोलता होगा नक्कल, नकल होगा ना भाया, होगा ना, तो बोलता है कबे नकल होगा, कबे कावेरी, कबे नकल होगा, तो कहता तुम मिल फिर, मिल फिर क्या, हाँ सेंटर में बताता हूँ फिर, मिल तमिल मिल फिर सेंटर में बताता हूँ कि नकल होता है कि नहीं, यानी कि होंगे नकल, कभी बोलता है ना कोई मित्र ऐसे बोल चल, कभी नकल होगा ना, नकल होगा, कभी कवेरी कभी नकल होगा, तो कहता है मिल फिर सेंटर में बताता हूँ कि नकल होगा या नहीं होगा, ओके याद रहेगा दोस्तों। और अगला है बालमुरी, बालमुरी जो कि ये भी कवेरी में है नदी में और कर्नाटक में है, याद रखें कैसे दोस्तों, और बालमुरी बालमुड़ी, ये जो बालमुड़े हैं, क्या हम बालमुड़े हैं यार, एक तरीके के हम लोग नाटक करते हैं अपने शरीर के साथ, एक से एक के डिजाइन फैशन हर चीज, बालमुड़ा ना कहीं फेस को ऐसी तैसी कराना, यानी क्या करते हैं यार हम बालमुड़ी, यानी कि हम बाल को मुड़ाकर एक तरीके का नाटक करते हैं, जो है यार वो है, क्यों इसमें खिलवाड़ करते हैं लोग, तभी आजकल देखते हैं दोस्तों आप पूरा ये सब कुछ होता है, यानी कि लोग कवर फिर बाल मुड़ाकर उसमें क्या कवर करते हैं, जब ठीक नहीं लगता तो उसको कवर कर लेते हैं, यानी कि ढक लेते हैं, कवर कर लेते हैं क्या अपने बाल, बाल मोड़कर उसको कवर कर लेते हैं लोग, एक तरीके नाटक करते हैं ये भी, ठीक है दोस्तों। अगला है हमारा, अगला है इन चित्रकूट डैम भी कह सकते हैं दोस्तों, जो कि ये है इंद्रावती नदी पर और ये छत्तीसगढ़ में है दोस्तों, काफी ये कंफ्यूज कर देगा, यानी लगता है यार ये तो यूपी में चित्रकूट यानी कि चित्रकूट डैम, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, छत्तीसगढ़ में है। तो कैसे याद रखें दोस्तों, यहाँ से आपसे बता दिया जाए, बोल दिया जाए कि आप चित्र बनाइए, बेहतरीन एक चित्र बनाइए, ये एक चित्र वाटरफॉल का, तो आप बनाएं कि हाँ यार बनाता तो हूँ, लेकिन किसमें, यानी कि इंद्र, उसमें क्या इंद्रधनुष शामिल करूँ, क्योंकि इंद्रधनुष जहाँ रहता है यानी कि पानी वानी में अगर उसका रहता है ना दोस्तों, तो मान लीजिए कि हमें उसमें शामिल करना है इंद्र, यानी कि क्या इंद्रावती इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष का कलर कितना होता है, सात, ठीक है, छत छत्तीस छत छत याद आ रहा है ना दोस्तों, छह सात कलर ऐसे याद करिए, छह सात कलर तो होते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं दोस्तों, अगर सात ना हो तो छह तो पक्का आ गया, यानी छत्तीसगढ़ याद रहेगा दोस्तों आपको। अगला दोस्तों वसुधरा, जो कि अलकनंदा नदी पर है और ये उत्तराखंड में है, याद कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ वसु वसुदेव वसुदेव तुम उतर आओ, यहाँ पर बहुत ही अत्याचार हो रहा है, वासुदेव वासुदेव तुम उतर आओ यार, उतर आओ वासुदेव, उतर आओ उत्तराखंड, ठीक है। या और नंदा यानी कि नंदी नदी, सिंपल याद रहेगा दोस्तों, वसुधरा नंदी नदी कौन सी हो, तो अलग नंदा नंदी आ रही तो नदी रहेगा, क्योंकि उतरने की बात करते कि उतर आओ तुम, उतर आओ उतर आओ, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, आप इसकी स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो ले ले, मैं साइड में हो जाता हूँ। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा एक सिंपल से ट्रिक से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों अगर आप इसका प्रैक्टिस करना चाहें तो मेरे साथ दो चार कर लीजिए, आप प्लीज बोर्ड की तरफ देखिएगा नहीं, ठीक है। तो देख लेते फटाफट से इधर से, ठीक है, कौन सी, जैसे कुंचिकल, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है, कुंचिकल, आप कूच कूच कर किसको मारेंगे, कब मारेंगे, जब हमारे राह पर कोई आ जाएगा और नाटक करने लगेगा, ठीक है, यानी कि राह क्या हो, वराही नदी होगा कहाँ, कर्नाटक में, ठीक है। अगला दोस्तों क्या है, पुनासा, पुनासा यानी पूरा नाश कर देते थे कौन, गांव का गांव पूरा नाश कर देते थे कौन, चंबल के डाकू, और नाश करके लोग, डाकू क्या कर देते थे, राज करते थे, राज उनका पहले राज था,
लेकिन अब नहीं है, यानी कि राजस्थान। और उसमें चूलिया जलप्रपात था, यानी चूतिया है। आजकल के डाकू क्या है, चूतिया है। इतना कुछ टेक्नोलॉजी हर चीज है, लेकिन फिर भी क्या है, वो डाकू या डाका डालेंगे नहीं डालेंगे, अगर डाके डालेंगे तो यार चूतिया है फिर की। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों, वो भी कहाँ है, तो चंबल नदी पर है, चंबल के डाकू चूतिया है। और वो भी राज अब नहीं कर सकते, उनका चला गया पूरा राजपाट। कौन किसका, चंबल के डाकू का। और इधर आ जाते हैं दोस्तों, दो चार देख लेते हैं फटाफट, जैसे कि एन्ना 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 गोंडा मिल गया तो आप क्या करेंगे, जो ना मर्द होते थे वो बीच में मध्य में छुप जाते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश हुआ। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। और आगे ये दोस्तों क्या है, तो बिहार, बिहार यानी कि हम हारते हैं, हार तो क्या होता है, तो टोन लोग मारते हैं, टोन्स नदी हुआ। और उसको अपोजिट यानी कि राज नहीं कर पाते वो, कौन, जो हारते हैं, अगर जीत गए तो राज करेंगे। ठीक है, यानी राजस्थान हुआ। और दोस्तों आ जाते हैं क्या ऊपर है, तो दूध सागर, यानी दूध कौन देती, माँ देती, मांडवी नदी पर। और सबसे ज़्यादा दूध कहाँ होता, तो गाँव में होता, गोवा नदी पर, सॉरी गोवा जो कि राज्य है। ठीक है, याद रहेगा। और दोस्तों आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, मैं टेस्ट कभी लाऊंगा दोस्तों इसका, और आपको भली बात ये ट्रिक का फायदा समझ में आएगा अगर आप टेस्ट लगाते हैं। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक पसंद आती है, हमारा प्रयास और मेहनत अच्छी लगती है दोस्तों आपको, तो प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करिएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह कुछ धांसू ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।